पंजाब दे विच लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिस नूं लै के सूबा सरकार भी इस वेले चिंता दे विच है। सूबा सरकार वल्लों कड़े एक्शन ले जा रहे ने, पुलिस प्रशासन नूं हदायतां जारी कीतियां गईआं ने कि पुलिस प्रशासन अजिहे हर एक थां ते जाके छापेमारी करे जिथे नशे की तस्करी ज्यादा हुंदी है। इसे तहत पुलिस वालों वख-वख थावां ते छापेमारी की जा रही है। उन्हां थावां नूं ज्यादातर खंगालिया जा रहा है जिथे नशा तस्करी वधेरे हुंदी है। उत्थे गल कीती जावे नवां शहर दी, तां नवां शहर दे विच वी पुलिस पार्टी वल्लों वख-वख थावां ते छापेमारी कीती गई अते अजिहे विच कुछ वस्तुआं भी पुलिस दे हत्थे लगियां ने। उत्थे पुलिस पार्टी दा कहना है कि इस पूरे रिसर्च अभियान दे विच उन्हां वल्लों हर एक अपराधी ते भी नज़र रखी जा रही है ते अजिहे कर्मकांड करन वालियां ते भी नज़र रखी जा रही है ते उन्हां नूं जल्द ही काबू कीता जावेगा जो नशा सप्लाई करदे ने ते वख-वख अपराधां दे विच जिन्हां दी शमूलियत है। देखो पूरे पंजाब के अंदर माननीय डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री गौरव यादव और ADGP लॉ एंड ऑर्डर श्री अर्पित शुक्ला, इनकी हिदायतों पे हर जिहड़ा जिला है, पुलिस जिला होवे चाहे रेगुलर जिला हो, उन्हां जिलों के विच स्पैशल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, कॉर्डन एंड सर्च, और नशे के अगेंस्ट स्पैशल ध्यान है। पर इस तों अलावा जिहड़े भी कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई माड़े अंसर हैं उन्होंने अगेंस्ट कार्रवाई की जानी है, दबाव पाया जाना है, जिहड़ा स्पैशली जिहड़े कि नशे वेचण वाले हैं उन्होंने कॉलोनीज़ दे विच जा करके थोरोली चैक किया जाना है, कॉर्डन किया जाना है ताकि वो बंदे जिहड़े उन्होंने शनाख्त हो सके, उन्होंने घरों की थोरो चैकिंग हो जाए और एक तरीके का दबाव बने, और जेकर कोई नशे नुशे उन्होंने को पए हुए हैं घर के विच तो उन्होंने थोरोली चैक करके और उसकी रिकवरी की जाए, उन्होंने केस जिहड़े रजिस्टर किए जाए। पहले भी समय समय से असी जिहड़ा है कार्रवाई करते रहे, इसका मंतव यह भी है कि जिहड़ा पूरे के पूरे जिहड़े जिले दे विच, जैसे अज नवांशहर दे विच मैं चैकिंग ते आया तो करीब इन्होंने 12 टीमें पंजाब बंदियां दी जिहड़ी है निकाली हुई हैं, और इस तो पहले मैं सोता पिंड है उत्थे जा करके उस पिंड दे विच भी इन्होंने जो दबिश दिती है चैकिंग की है वो देख के आया। अज लंगड़ोआ जिहड़ा है पिंड दे विच भी ये मोहल्ला है, स्पैशली इहदे विच बार बार शिकायत रही है कि इस मोहल्ले दे विचों बछिंदे जो है बेचे जा बेचते हैं जोड़े ड्रग्स वगैरह, और पहले भी कई बार इन्होंने केस रजिस्टर हुए हैं। सो असी उन्होंने नाल गलबात भी की है, समझाइश भी की है, पिंड के सरपंच साहब नू भी आज नाल लिया है, उन्होंने मिल करके भी असी जोड़ा ये व्युतबंदी के लिए भी उपराले कर रहे हैं, और एम ये रहेगा कि साढ़ा कि आने वाले समय के इस तरीके की जड़ी गतिविधियाँ इतों चलाई जाती हैं उन्होंने ठल पाई जाए, और जो बंदे उन्होंने को वो तो इनफॉर्मेशन भी साढ़े को आए। सो इसलिए SSP नवांशहर वालों एक नंबर भी जारी किया गया है ड्रग हेल्पलाइन का, जिससे उन्होंने पहुँच की जा सकती है, और जोड़ा बंदे जो अपने शहर के आम वसनीक हैं जो इतने के रहने वाले हैं या पिंडा के रहने वाले हैं वो उन्होंने भेज सकते हैं कॉन्फिडेंशियली इनफॉर्मेशन, और इसलिए रेंज वालों भी जल्दी मैं अपने वालों एक नंबर जारी कराँगा जिथे लोगों लगता है कि होर कॉन्फिडेंशियली मेरे को दसना चाहते वो भी पहुँच कर सकते हैं। कोई रिकवरी सर अज की जी इन वालों कार्रवाई की गई, कल रात तो भी कार्रवाई की जा रही, अज इन्होंने कुछ रिकवरियां की हैं और पॉपीएस की रिकवरी हुई है, वो कार्रवाई चल रही है, और कुछ स्मैक की रिकवरी जी वो भी एक जगह से हुई थी वो भी जोड़ा वेरीफाई की जा रही है। सर थरली सी अपने वालों कोशिश करेंगे गिवन अवर रिसोर्सिस की इस जगह दूर कंट्रोल करने लिए डिप्लॉयमेंट भी करिए। सो इसलिए SSP नवांशहर आगे करेंगे अपने वालों जो भी बनती कार्रवाई है। तो उत्थे ही गल की जाए मोगा शहर की, तो मोगा शहर के नशियां की रोकथाम के लिए सर्च अभियान चलाया गया, तो उत्थे DAG नरेंद्र भार्गव की अगवाई के मोगा के इंदिरा कलोनी साधा वाली बस्ती हरिजन कलोनी के नाल नाल वख-वख थावां ते छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अजिहे किसी भी अंसर नूं बख्शा नहीं जाएगा जिसके वालों नशा सप्लाई किया जाता है, इस दे नाल ही जो कोई अपराधा दे विच शमूलियत रखता है अजिहे अंसरां नूं भी काबू किया जाएगा ता जो पंजाब दे विच अमन शांति बहाल हो सके अते नौजवानों नूं नशे तों बचाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार ते माननीय DGP श्री गौरव यादव जी उन्होंने दिशा निर्देश से ऑपरेशन चलिया ऑल ओवर पंजाब, उसे दी लड़ी च मोगे च मैं हाजिर हाँ। सीनियर ऑफिसर्स दी ड्यूटी लगाइया ने DGP साहब ने कि सारे पंजाब च सीनियर ऑफिसर्स आप जाके सर्च ऑपरेशन करान, मोगा च इत्थे साडे SSP श्री गुरलीत खराना जी इन्हां दी जेर अगवाई च 300 तो दे करीब मुलाजमान दे नाल ये ऑपरेशन चलाया गया, जिहदे विच आपां इंदिरा कॉलोनी हाजिर हाँ इत्थे
इंदिरा कॉलोनी च साडियां सर्च पार्टियां लगियां ने, इलाके नूं जिहड़ा हैगा कॉर्डन किया गया है, साडे सीलिंग पॉइंट्स लगे हुए ने, जिन्हें भी गैर समाजिक तत्व ने खास करके जिहड़े नशे च संलिप्त ने, कोई बदमाश ने, कोई गैंगस्टर ने, कोई टैरोरिस्ट ने, उन्हां सारिआं नूं दी भाल च ये ऑपरेशन है। उस साडियां पार्टियां बड़ी मुस्तैदी नाल लगियां ने, SP DSP SHOs इंस्पैक्टर इन्हां दीआं पार्टियां लगियां, लेडी पुलिस उचेचे तौर पर लगाई गई है, क्योंकि ये समा जिहड़ा हैगा इस समय काफ़ी घरां दे विच लेडीज़ हुंदियां ने, ते उन्हां दे जिहड़ी सर्च ऑपरेशन है उहदे दौरान लेडी पुलिस की असीं वरतों कर रहे हैं। चल रहा ऑपरेशन, सानूं उम्मीद है, आस है कि चंगी रिकवरी करके जावां। ये प्लैंड 4 बजे तक है, पर जे जदों तक साड़ी पार्टी की सर्च पूरी नहीं होंगी उदों तक ये जारी रहे। जिक्र योग है कि पंजाब दे विच लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, जिस नूं लैके हर कोई इस वेले सख्त विच है कि पंजाब दे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो उत्थे आम आदमी पार्टी की सरकार भी इस वेले विरोधियों के निशाने ते, जिस नूं लैके लगातार सख्ती की जा रही है। तो खैर हुण देखना होगा कि पुलिस पार्टी वालों की गई इन रेडा दे विच पुलिस नूं किन्नी कु सफलता हासिल होंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब TV।